बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर मॉलिक्यूल्स में फ्री काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, या फिर हायर काइनेटिक एनर्जी टू लोअर काइनेटिक एनर्जी मूव करता है। द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ वाटर इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, एंड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज ज़ीरो। खालिस पानी का जो केमिकल पोटेंशियल है वो ज़ीरो लिया जाता है, और इस बेस पे खालिस पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे उसमें साल्ट ऐड करते चले जाएंगे, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है। अब हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी से वाटर का लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी या हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ वाटर का मूव करना, या ये जो मूव करने की टेंडेंसी है, इसको वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। हाउ वी कैन डिफाइन वाटर पोटेंशियल? द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन द सिस्टम एंड द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को ग्रीक सिंबल साई से शो किया जाता है, और इसको मेजर किया जाता है बार्स में। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल के एडवांटेज क्या है? बाय यूजिंग वाटर पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव बिटवीन एनी टू सिस्टम इज कैलकुलेटेड। वी कैन कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल in a plant, from soil to root, from leaf to air, and from soil to air. Next point is factors affecting the water potential. There are two main factors that affect the water potential: solute potential, ya phir osmotic potential, and pressure potential. Next hum discuss karenge components of water potential. There are three main components of water potential. Number one, osmotic potential. What is osmotic potential? Pure water का जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसका water potential zero होता है, और वो highest water potential consider किया जाता है, क्योंकि zero water potential पे पानी की kinetic energy highest होती है। जैसे जैसे उसमें salt add करते चले जाएंगे, वैसे वैसे कि काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है, उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। ड्यू टू एडिशन ऑफ साल्ट, वाटर पोटेंशियल का डिक्रीज होना ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर आइंस इन वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल। डिक्रीज क्यों होता है? कि वाटर जैसे उसमें साल्ट ऐड करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स साल्ट के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, जिससे वाटर की मूवमेंट में कमी आ जाती है। वाटर की मूवमेंट कम होती है, उनकी स्पीड कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उससे वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रेशर पोटेंशियल। जैसे हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल में डिस्कस किया कि साल्ट के ऐड करने से वाटर पोटेंशियल कम होता है। अब एक साल्टेड इन्वायरमेंट है या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, या अगर हम सेल को ही कंसीडर कर लें कि सेल सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन में है, सेल का जो इंटरनल सॉल्यूशन है, जबकि सेल के बाहर जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल वाटर जो है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। वैक्यूल्स में पानी के जाने की वजह से वैक्यूल जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा सेल वाल के ऊपर, जिससे सेल टर्जिड कंडीशन में चला जाएगा। अब वैक्यूल का वाटर के अंदर आने की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, इस प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि आप किसी इन्वायरमेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा हो जाना, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हुए तो इट मीन कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी,
अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। इस फिनोमिना को प्रेशर पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है मैट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हमारे पास सपोज एक बीकर में हम पानी डालते हैं, एक बर्तन में हम पानी डालते हैं, उसमें साल्ट ऐड करते हैं। एक तो साल्ट के ऐड होने की वजह से जो है वो वाटर पोटेंशियल कम होगा, जिसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं। सेकेंडली वाटर जो है वो उस बर्तन की वॉल्स के साथ भी लगेगा, कोलाइड करेगा, चिपकेगा, या उस बीकर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेगा। इसी तरह अगर हम सेल को कंसीडर करें तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, या सेल वॉल की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेगा, जिससे इस कोलिजन की वजह से या इस कोलाइड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। वाटर पोटेंशियल का इस तरह डिक्रीज होना मैट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जनरली फार्मूला यूज़ किया जाता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल। लेकिन चूंकि एक सेलुलर इन्वायरमेंट में मैट्रिक पोटेंशियल को या वॉल्स के साथ या साइटोप्लाज्म के साथ जो कोलिजन है उसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है, इसलिए फार्मूला ये बनता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वाटर पोटेंशियल और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि वाटर पोटेंशियल क्या है, कि रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या हायर कंसंट्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी और लोअर कंसंट्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो वाटर पोटेंशियल कहलाता है। फिर हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऑस्मोटिक उसके एडवांटेज के बारे में पढ़ा, सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, प्रेशर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा एंड मैट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, हाउ टू कैलकुलेट वाटर पोटेंशियल। इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।